हरिओम। आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले आप सभी साधकों का जैन योगा प्राथमिक कोर्स के व्याख्यान क्रमांक 5 में मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। गए 4 व्याख्यानों से हमने जैन योगा पुस्तक की शुरुआत की है भाग 1 की, और उसी भाग 1 का जो विषय है वो है आध्यात्मिक सफलता के नियम। उसी के तहत हमने मन के 4 खंडों के बारे में देखा, और इसके पहले के व्याख्यान में हमने खंड 1 के 4 केंद्रों के बारे में हमने चर्चा की, और वो 4 केंद्र हैं IESM। आई यानी क्या? इंटेलिजेंस, और वो भी इंटेलिजेंस यानी वो हमें क्या ज्ञान देता है, हर एक चीज का, वो चाहे कोई भी चीज हो, विषय हो, परिस्थिति हो, उसका सच्चा ज्ञान देने वाला तर्कनिष्ठ ज्ञान, बिना किसी पक्षपात के जो ज्ञान देता है वो क्या है, हमारा आय केंद्र। और जिसे भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से क्या कहा जाएगा भाई, सत्व केंद्र। सत्व केंद्र ये किसी का पक्षपात नहीं करता है, ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से क्या देता है, हमको ज्ञान देता है। उसके बाद है ई केंद्र, ये कोई सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, इसको क्या कहते हैं, आय केंद्र को कहते हैं ईहा केंद्र, यानी ज्ञान का वो क्या है, भूखा है। हर एक चीज का क्या चाहिए उसको, बरोबर ज्ञान चाहिए, वो है हमारा आय केंद्र। और ई केंद्र का नाम क्या रखा गया है भाई, भाव भावनाओं का केंद्र, या तो इकायान, यानी उसका सिर्फ ये कि मेन पर्पस रहता है अपनी ओर आकर्षित करना, ज्ञान जाए भाड़ में, असली ज्ञान कभी देगा नहीं वो, सिर्फ उसका मेन काम रहता है कि हमारी मेरी तरफ सब लोग कैसे आकर्षित हो, और सभी भाव भावनाएं उसमें आ जाती हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम इकायान, या तो भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से इसको कौन सा गुण बोलेंगे भाई, रजस गुण। उसके बाद है तीसरा था जो आय, आय का तो विरोधी है, कभी कभी ई का भी विरोधी है, वो है एस केंद्र, यानी सेंसियो वाइटेलिटी केंद्र, इंद्रिय शक्ति केंद्र। इंद्रिय शक्ति तो है लेकिन बुद्धि से विहीन और भावनाओं से विहीन, इसलिए हमसे वो ऐसे ऐसे काम करवा लेता है जो हम कभी नहीं करना चाहते हैं, यानी जिसको कहते हैं प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस, ऐसी ऐसी हमारे से कार्य करा लिया जाता है इस केंद्र के माध्यम से, जो हम अगर बुद्धि का इस्तेमाल करें तो वो कभी हम कार्य न करें, यानी हमारे ऊपर कार्य जैसे थोपे जाते हैं, वो कौन कराता है हमसे, ई केंद्र। यानी हमारी सभी प्रकार की आदतें, आदतें यानी कौन सी आदत बताई दी आपको, कि भाई स्मोकिंग, सिगरेट, ड्रग्स लेना, अल्कोहल, और फिर सेक्स की लत, और किसी प्रकार का किसी के ऊपर पति पत्नी में झगड़ा होता है तो हाइटेंड गुस्सा करना किसी के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो हम लोग अगर शांत नमूने सोचे तो कभी ऐसा काम हम करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमसे कोई करवा लेने वाला केंद्र है, इसको कहते हैं एस केंद्र, और इसको भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से क्या नाम देंगे भाई, तमस, यानी अंधेरा, बस अंधेरा ही अंधेरा है। ये ऐसी इंद्रिय शक्ति है जो बुद्धि और पॉजिटिव इमोशन से विहीन है, इसलिए हमेशा अगर जो नेगेटिव हो गया तो बर्बादी लाता ही है। तो इनकी तीव्रता मैंने आपको बताई थी, आई +2 -2, ई +4 -4, एस +8 -8, और चौथा केंद्र कौन है भाई, एम केंद्र, जिसको आल्सो कहते हैं मोबिलिटी केंद्र, या तो मैथमेटिशियन, यानी वो गणितज्ञ है, जो सिर्फ उसका काम क्या है, कैलकुलेट करना कि आई ई एस में से कौन ज्यादा पावरफुल है, उसको जाके वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और कुछ नहीं। यानी एक्चुअली जो हम क्रियाएं करते हैं वो कराता कौन है हमसे, मोबिलिटी यानी एम केंद्र कराता है, लेकिन अकेला वो कराने में सक्षम नहीं है, वो सिर्फ डिपेंडेंट है इन 3 केंद्रों की तीव्रताओं पर, जो पावरफुल होगा उसको सपोर्ट करेगा, वैसा ही हम लोग एक्शन करेंगे। इसके बारे में आपको मैंने कल बताया था, इससे पहले के व्याख्यान में बताया था, और इसके पास एक पॉजिटिव वोट रहता है, हमेशा इसके पास पॉजिटिव तीव्रता रहती है, नेगेटिव एम के पास होता ही नहीं है। तो अगर दोनों में टाई हो जाए, आई ई साथ में है और एस अलग है, दोनों का स्कोर सेम है, तो हमेशा जो वोट फेंका जाता है वो किस में फेंका जाता है, पॉजिटिव के पक्ष में फेंका जाता है। ये है 4 केंद्र। अगर इन 4 केंद्रों को आप बरोबर से पहचानना शुरू कर दिया
यानी आपकी आधी जीत हो गई। यानी बहुत ही चमत्कार घटने लगेंगे जब आपके खुद के केंद्रों को पहचानने लगेंगे आप कि कौन सा केंद्र मेरा किस समय पे काम कर रहा था। उसको आप अगर समझ में आ गई आपको बात, तो बहुत आसानी से हम आगे प्रगति कर सकते हैं। तो इन चार केंद्र, यही चार केंद्र हमारे पास हैं, सेक्शन वन ऑफ आवर माइंड ही हमारे पास है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। कहां तक पहुंचने के लिए हमें पहुंचना कहां है भाई, क्रिटिकल सर्टन स्टेज, यानी वो बाउंड्री सेक्शन वन सेक्शन टू ए और टू बी के बीच में जो नोमैन्स लैंड है उसके इस किनारे पे हमें पहुंचना है, जिसका नाम है क्रिटिकल सर्टन स्टेज। लेकिन वो कैसे पहुंचेंगे, जब इन चार केंद्रों के ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे तभी वहां तक पहुंच सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे कि पहले के व्याख्यान में बताया कि आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी प्रमुख समस्या के बारे में आज हमको डॉक्टर सहर जी बताएंगे वो समस्या क्या है। तो इसमें यहां बताते हैं कि उच्चतर खंडों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास आवश्यक रूप से उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यवहारिक अभ्यास होने चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास जो खंड है ही नहीं, उच्चतर खंड यानी क्या, सेक्शन टू बी सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर, यानी खंड दो ब खंड तीन और खंड चार, ये उच्चतर खंड है मन के जो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन वहां तो हम जा सकते हैं, लेकिन उस जाने से पहले हमारे पास कुछ ऐसे व्यवहारिक प्रैक्टिकल अभ्यास होने चाहिए जो हमें कहां तक पहुंचाए भाई, उस क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक पहुंचे। मानते हो कि नहीं कि कुछ तो प्रैक्टिकल अभ्यास होना चाहिए ना, कि हम इन केंद्रों को जो अभी जिनकी अवस्था क्या है बिगड़ी हुई है, आई ई एस एम का रेशियो क्या है बहुत ही बिगड़ा हुआ है, इनको सुधार के हम उस अवस्था तक पहुंचे, ऐसा अभ्यासक्रम हमारे पास होना चाहिए जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हो। परंतु कोई भी व्यावहारिक उपाय तब तक कारगर नहीं है जब तक हम आध्यात्मिक जीवन या किसी भी प्रकार के गंभीर या उद्देश्यपूर्ण जीवन से जुड़ी सबसे प्रमुख समस्या पर विचार नहीं करते, जो कि है देखो कोई भी अभ्यासक्रम आपको प्रैक्टिकल दे, लेकिन जब तक हमने मूल प्रॉब्लम को समझा नहीं, जो आध्यात्मिक जीवन का सब, या आध्यात्मिक जीवन बोलो या किसी भी प्रकार के क्षेत्र का जीवन बोलो, उसमें जो मूल प्रॉब्लम है उस समस्या को जब तक हमने बरोबर से ध्यान नहीं दिया, कोई भी अभ्यासक्रम जो आपको रेडीमेड बना के दें भी वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। और वो समस्या क्या है, जिसको सहर जी कहते हैं कार्डिनल प्रॉब्लम इन द स्पिरिचुअल लाइफ। कार्डिनल यानी क्या होता है, कार्डिनल, कार्ड यानी सुना है हार्ट, हार्ट सुना है ना हार्ट, कार्डिनल यानी हार्ट, कार्डिनल यानी कार्डियक, यानी किसको कहते हैं हृदय। तो मूल हृदय हमारा मूल है ना अंग, उसके बिना हम जी सकते हैं, तो ये मूल अंग है। तो इसी तरह कार्डिनल प्रॉब्लम यानी स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे मूल प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ पे हमको बताते हैं कि कैसे हम अपने किसी भी लक्ष्य की खोज में अपनी रुचि और उत्साह को उन असंख्य बाधाओं और विपत्तियों के बावजूद किस तरह कायम रखें। कि हमें तो जाना है CCS, वो क्या है हमारा, क्या है भाई, लक्ष्य है। तो उस तरफ जाने के वक्त जो बीच में हमारे बाधाएं और बीच में हमारे विपत्तियां आती है, उन सब को कैसे निपटें और कैसे अपना इन बाधाओं और विपत्तियों के बावजूद अपना रुचि यानी इंटरेस्ट और अपना उत्साह यानी एंथुसियाज्म कायम रखें कि हमें तो वो हासिल करना ही है। कौन सा हासिल करना है हमें, लक्ष्य CCS हासिल करना है। और इस बीच में जो असंख्य बाधाएं आती है, उस बीच में हम अपने उत्साह को कैसे कायम रखें, यही सबसे बड़ा स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू जैन योगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर PJ सहर। अब आगे बताएंगे। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि थका देने वाले ज्यादातर इम्तिहान हर दिन की उबाऊ और नीरस दिनचर्या के रूप में आते हैं, जिसे जर्मन में उपयुक्त रूप से ग्रेयर अल्टा कहा जाता है, जो शक्ति और उत्साह को समान रूप से खाली कर देता है। ऐसा मत समझो कि हमारे से भगवान कोई बड़े बड़े इम्तिहान लेता है। आपका जो एग्जाम है, रियल लाइफ का एग्जाम, वो होता है कि जैसे जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हम रोज जीते हैं, है ना, उस नीरस और उबाऊ दिनचर्या के रूप में आते हैं जो हमारे उत्साह को और इंटरेस्ट को और क्या बोलते हैं उसको, गहरी रुचि को पूरी तरह से क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो हमारा इम्तिहान कोई बड़ी बड़ी चीजों में नहीं होता है, रूटीन यानी नीरस लाइफ, यानी रूटीन लाइफ यानी क्या, इसको कहते हैं डॉक्टर सहर जी मोनोटोनस लाइफ,
यानी एक सुर में हमारी जो जिंदगी चलती है, उस एक सुर में जो रूटीन कार्य हम करते हैं, उन रूटीन कार्य को करते समय हमारे बीच में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। उस विपत्तियों के बावजूद, उन अड़चनों के बावजूद, हम अपने खोज के प्रति, किस चीज को खोज रहे हैं हम, उस डायरेक्शन में अपने उत्साह को कैसे कायम रखें, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें आदमी को क्या रखता है, रूटीन चीजों में इतना बोर्डम महसूस होता है कि वो अपने उत्साह को कायम नहीं रख पाता है, और अपना जो मूल उद्देश्य है उसको आदमी क्या कर देता है, भूल जाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल लाइफ का। क्योंकि हमारा अधिकांश सांसारिक जीवन केवल कुछ बेहद असाधारण घटनाओं के छोड़कर छोटी छोटी गैर मामूली चीजों और प्रसंगों से मिलकर बना है। छोटी छोटी घटनाएं होती है, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं कहाँ होती है, ज्यादा रूटीन लाइफ ही चलती है, वही हमारा मेन सांसारिक जीवन, हमारा अधिकांश सांसारिक जीवन उसी में गुजरता है। एक प्रधानमंत्री हो या एक हेमिंग्वे नायक यानी हॉलीवुड का कोई हीरो, हेमिंग्वे नायक यानी क्या, कोई हॉलीवुड का हीरो या प्रधानमंत्री हो, उसका भी दिन का एक बड़ा, उनका भी जो दिन का एक बड़ा हिस्सा होता है वो किसमें कटता है भाई, आवश्यक रूप से रूटीन कार्यों में गुजरता है। ये हमारा नहीं सिर्फ, प्रधानमंत्री हो किसी भी देश का या कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड का हीरो हो, उनको भी कुछ रूटीन काम दिन भर में करने ही पड़ते हैं, जैसे कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, दांत साफ करना, ग्लास से पानी पीना। जैसे प्रधानमंत्री जी ग्लास से पानी पियेंगे, और यहाँ पे थोड़ा व्यंग करते हैं डॉक्टर सहर जी, अगर वो प्रधानमंत्री है तो ग्लास से पानी पियेंगे, और अगर वो हीरो है तो क्या करेगा, वो बॉटल से पानी पिएगा। लेकिन अल्टीमेटली पानी तो पीना ही ना, दिन में 10-15 बार तो हम पानी पीते ही हैं, तो वो रूटीन करना है। नहाते तो हैं भाई, ब्रश तो करेंगे, टॉयलेट तो जाएंगे, कपड़े तो पहनेंगे, कपड़े तो उतारेंगे, नाश्ता तो खाएंगे, खाना तो खाएंगे, ये सब क्या है, हमारे दिन की रूटीन एक्टिविटीज है। या बोतल से पानी पीना, और रोजमर्रा के जीवन में गैर जरूरी कामों में ये सब काम हमें करने ही पड़ते हैं। उसके अलावा शानदार यानी असाधारण घटनाएं घटित तो होती है, पर एक औसत आदमी के जीवन में वो बहुत ही दुर्लभ है, घटती हैं। कभी एक दो महीने में एक पार्टी होगी, कभी एक दो महीने में हम आउटिंग पे जाएंगे, कभी सोशल गैदरिंग होगी या इस प्रकार का लेक्चर्स अरेंज करेंगे, ये रोज रोज तो नहीं अटेंड होते ना, कभी कभी होते हैं ऐसा। तो कुछ शानदार, किसी के घर में शादी है, है ना, कोई कोई मंगनी है, या कोई बर्थडे पार्टी, बर्थडे रोज थोड़ी आता है, 12 महीने में एक बार ही आएगा ना भाई। तो ऐसी चीजें आती है, कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं भी घटती है, लेकिन वो रोज नहीं घटती है, वो दुर्लभ है। महान चीजों के लिए उत्साह को आगे लाने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई अच्छा कार्यक्रम हो तो सही। जैसे अभी हमने किया बुक रिलीज सेरेमनी, उसके लिए लोग इतने उत्साहित थे, हमारे सारे टीम है ना, डीजी सिग्मा का पूरा ग्रुप इतना उत्साहित था कि रात को 9-10 बजे पहुंचे, रात को 2 बजे तक बैठे थे, और फिर सुबह को, अगर रात को कोई आदमी 2 बजे सोए तो सुबह को 8-10 से पहले उठता नहीं है, लेकिन उस दिन सुबह को हम क्या करेंगे, 6 बजे उठ के खड़े हो गए और बिल्कुल तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा कार्य रोज रोज नहीं आता है ना, और ऐसा जो अनयूजुअल कार्य आता है, कार्यक्रम आता है, तो उसके लिए निरुत्साह तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके लिए कुछ खास प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता है। वही कह रहे कि महान चीजों के लिए उत्साह को आगे लाने में कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि अपने आप आता है। तो फिर हम कैसे इस तरह के उत्साह को रोजमर्रा के दिनचर्या की पिसावट के बीच में बनाकर रखें? रोजमर्रा की जो दिनचर्या होती है ना हमारी, उसमें हम लोग जैसे चक्की में आदमी पैसे पीसा जाता है, सुबह से शाम तक वही एक जगह जाओ, वहां पे बैठो, फिर वही लोगों से बातचीत करो, फिर किटकिट इसकी किटकिट उसकी किटकिट, यानी ये जो रोजमर्रा की पिसावट है, उसमें भी, उसके बावजूद जब हम रात को आते हैं घर में, तो इतना एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो उत्साह सब खत्म हो जाता है, फिर सीसीएस वीसीएस याद कुछ रहता ही नहीं है। काय का सीसीएस भाई, इतने सुबह से लेके पीड़ पीड़ के आए खुद को, अभी काय का सीसीएस के बारे में याद दिला दो, बाद में सोचेंगे, अभी हमारा आज तो बहुत थक गए हैं। तो इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं, उसमें इतने थक जाते हैं कि हमारा लक्ष्य की खोज जो हम कर रहे थे उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं, और हमारा उत्साह रहता ही नहीं। आध्यात्मिक मार्ग पर किसी नए प्रारंभकर्ता के लिए इस खोज में अपनी रुचि और उत्साह को जीवन के रोजमर्रा की बाधाओं के बीच कायम रख पाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये कोई सिंपल बात नहीं है कि दिन भर में आपकी पिसावट हो और फिर भी रात को कहो कि नहीं, मेरा तो लक्ष्य वही है, मैं तो उसी के लिए काम करूंगा, मैं तो पीसीएस मुझे पहुंचना ही है,
वही उत्साह के साथ, जैसे सुबह को आपने किया उत्साह से शुरू किया था, ऐसे ही रात को सोने भी समय उतना ही उत्साह, ये मेंटेन करना कोई एसिड टेस्ट, इसको बोलते हैं डॉक्टर सैयद जी, ये कोई एसिड टेस्ट से कम नहीं, यानी अग्नि परीक्षा है। जैसे माता सीता अग्नि परीक्षा से गुजरी थी, है ना, वो आसान नहीं था उनके लिए, जब आई थी रावण के महल से तो उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था। तो इसी तरह से रूटीन चीजों में भी सुबह जो उत्साह था, रात को भी वही उत्साह मेंटेन करना एक एसिड टेस्ट के समान ही होता है, अग्नि परीक्षा है। हर दिन की छोटी छोटी बाधाओं या तकलीफों के कारण बार बार चिर पैदा होती है, छोटी छोटी बाधाएं आती है ना, जो चीज हमको पसंद ही नहीं, हमारे सेंटर्स देखो उस टाइम पे देखना है आपको, हम सिर्फ जब ध्यान कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं देखना है कि हमारा मन कितना शांत है, अरे जब दिन भर काम करते हो, इतने लोगों के साथ मिलते हो, उस समय में छोटी छोटी चीजें आपको चिड़ पैदा करती है कि नहीं, वही आपकी क्या है, एसिड टेस्ट है। तो वही हर दिन की छोटी छोटी बाधाओं या तकलीफों के कारण बार बार चिड़ पैदा होती है, इसके और इनके बावजूद इनमें संतुलन बनाए रखने के लिए दृढ़ता रखना की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सिर्फ बहुत थोड़े लोग ही तैयार होते हैं। यानी जो बीच बीच में हमें तकलीफें पैदा करने वाले लोग मिलते हैं, कुछ परिस्थितियां आती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस बन के आते हैं, जहां पे आज मैं शाम के टाइम बैठा था, मैं बिल्कुल तैयार था, क्या कि आज तो मस्त 70 पेशेंट खत्म हो गए मेरे 5:45 बजे, मैं आज जाऊंगा घर पे थोड़ा देर रेस्ट करूंगा यहां पे आने से पहले, और उसी समय एक पेशेंट आगे खड़ा हो गया जो बोलता है मेरे बेटे का आपको ऑपरेशन करके देना है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया। मैं बोला आपको मैंने देखा ही नहीं है, आप कैसे बोलते हो ऑपरेशन, नहीं मैं तो सोच के आऊँ, ये दो दाना है आपको काट के देना है अभी, और मेरे से मैं उसको तैयार नहीं, और वो जबरदस्ती बैठा है। तो 15-20 मिनट इतना हीटेड डिस्कशन हो गया, मैं भी शुद्ध करके सुन रहा था उसका, लेकिन अल्टीमेटली कहा कि मैं करूँगा नहीं, आपको चाहिए तो अपनी फीस वापस लेके जाओ। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे समय में संतुलन बरकरार, और उस टाइम में मैंने देखा कि मेरा ई सेंटर डेफिनेटली ट्रिगर किया उसने, तो यहाँ पे लेकिन वो जानकारी है तो समझ पा रहे हैं कि सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है, वो अपना सोच के ही आज ये करा के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए तो मैं करके ही रहूंगा। एस सेंटर उसका बिल्कुल क्या था, तैयार होके आया था वो ई और एस को मिला के, लेकिन मैंने भी खुद को शांत रूप से रखा और मैंने उसका ऑपरेशन किया। मैं बोला नहीं, मेरे को इसको कम से कम आधा घंटा लगेगा, मेरे पास आधा घंटा आज नहीं है, और इसको वैसे भी ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि तेरे घर में और भी एक बच्चा है जिसके पास ऐसे ही तकलीफें हैं, इसका निकालूंगा तो भी उनको वापस फैल जाएगा, जैसे वायरस है, वायरस फिर फैलता है, तो ऑपरेशन करके फायदा क्या। तो मैं बिल्कुल आई सेंटर से बात कर रहा था, लेकिन वो क्योंकि उत्तेजित कर रहा था तो इसके लिए क्या है, ई सेंटर उसको साथ जुड़ गया और मैंने भी थोड़ा सा प्रतिक्रिया की। लेकिन ये ज्ञान है तो हम पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें चिड़ ज्यादा भी हो सकती थी, बहुत कुछ ज्यादा हो सकता था, लेकिन कहने का मतलब क्या है, इस ज्ञान के कारण हमको क्या बचते हैं। लेकिन ऐसी चीजें रोज होती है, ऐसी चीजें रोज होती है, कल भी आश्रम में कुछ ऐसा ही हुआ, तो होता है ऐसा, लेकिन उस समय पे अपना संतुलन बनाए रखना यही इंपॉर्टेंट है, कि रोज रोज की चीजें हमें चिड़ पैदा करती है और उस समय में हम लोग संतुलन बनाए रखें, यानी ये बहुत बड़ी जीत है। वो तब बना के रखोगे जब इस सेंटर्स की क्या होगी, जानकारी होगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं अपना सेंटर भी देख रहा था कौन सा काम कर रहा है, सामने वाला कौन सा सेंटर लेके आए, तो उसको आप क्या कर पाओगे, उसमें संतुलन बना पाओगे। और फिर भी आध्यात्मिक जीवन की व्यवहारिकता परखी जाती है हमारे साधारण गतिविधियों के क्षेत्र में, और इसके अतिरिक्त कभी कभी असाधारण कार्यों में, जो आध्यात्मिक जीवन की व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी ऑफ जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो आपकी परखी नहीं जाती है कि आप असाधारण कार्यों के दौरान आपका उत्साह कितना है, कि जो अनयूजल चीजें होती है, शादी हुई समझो घर में, उसमें आप कितना उत्साह रख पाते हो, वो आपकी टेस्ट नहीं है। या ध्यान के वक्त कैसे आप शांत रह पाते हो सुबह योग अभ्यास के बाद, जब आपका साथ किसके साथ संपर्क नहीं है और आप बोलते हो हम शांत हैं, तो वो आपका वहां पे आपका परखा नहीं जाएगा। आपको कहाँ पे परखा जाएगा, कि रूटीन एक्टिविटीज में आप अपना संतुलन बनाए रख पाते हो कि नहीं, वही आपकी क्या है, टेस्ट है। वहीं पे आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में परखा जाएगा कि आप उन्नत हो रहे हैं कि नहीं। जैसे रूटीन चीजें, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं डॉक्टर सैयद जी, कि एक बस के लिए आप लाइन में इंतजार कर रहे हैं और बस आती है और आपको जाना ही है टाइम पे, फिर आप खुद को कैसे वहां पे संतुलन बना के रखते हो, कि वो भागा दौड़ी जैसे करते हैं, जैसे बस पकड़ने के लिए लोग जाते हैं, हम पहले पकड़ेंगे, तो आप वहां पे शांत हो कि नहीं, आप अपनी शालीनता कायम रखते हो कि नहीं, कि बस को क्या किया, लाइन में जाके चढ़े, भले ही कितना भी आपको पहुंचना हो किधर भी, लेकिन आप बैलेंस रहे कि नहीं,
वहां पे आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपका सेंटेंस बरोबर है कि नहीं। उसके अलावा किसी को आपने काम दे दिया, मैंने मनोज साहब को काम दे दिया, भाई ये है आपका और 25 तारीख को शाम को चलना चाहिए, क्या क्या चलना चाहिए हमारा जो कार्यक्रम हुआ चलना चाहिए, लेकिन हम बैठ रहे हैं इंतजार कर रहे हैं 8 बज गया 8:30 बजे फिर शुरू हुआ, तो वहां पे हमने अधीर तो नहीं हो गए? यानी किसी को हमने काम दिया है कंप्यूटर पे करने का और बेचारा वो थोड़ा लेट हो रहा है, वहां पे हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है वो आपको टेस्ट करेगा कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो कि नहीं, वहां पे आप शांत खुद को रख पा रहे हो कि नहीं, वो आपका टेस्ट है। इसके अलावा हमारे भी क्लिनिक में आते हैं बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो पेशेंट्स भी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी है, बार बार भी आते हैं और हमको जबरदस्ती आके बीच में घुसते हैं, उस समय पे हम अपने संतुलन को बनाए रखते हैं कि उनके ऊपर चिड़चिड़ करते भाई क्यों आते हो आप, या उनके ऊपर गुस्सा होने लगे, तो ये आपका टेस्ट है। इसके अलावा कभी कभी कुछ पेशेंट्स आके रिसेप्शनिस्ट से आके झगड़ा कर लेते हैं हमारे क्लिनिक में, उस समय पे जो झगड़ा चल रहा है और हम अंदर शांत है कि नहीं, कि हम भी उत्तेजित हो रहे हैं और उसको गालियां देने में क्यों झगड़ा कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर भड़के, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमारे असिस्टेंट के, तो इस प्रकार से यहां पे आपकी रूटीन में आप कैसे बैलेंस बना के रखते हो वो आपका टेस्ट होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। बिना उत्साह के आध्यात्मिक खोज भी नीरस और थकाव मालूम होती है। आप सोच रहे हो कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक हमारी खोज है, हमको जाना है CCS तक, हम तो रोज ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हाँ ना, लेकिन अगर आपका उत्साह नहीं हुआ तो आध्यात्मिक खोज भी क्या लगेगी आपको, नीरस और उबाव, यानी रूटीन लगेगी मोनोटोन, उसमें आपका फिर क्या हो जाएगा, उत्साह निकल जाएगा। तो फिर हम किस तरह से अपने उत्साह की आग को इन बेतुकी बाधाओं और परिस्थितियों के सामने जला के रखें, कैसी अपनी आग को, उत्साह की आग को इन तकलीफों के बावजूद जला के रखें, वही आपकी टेस्ट है। तो आध्यात्मिक खोज के लिए अपने उत्साह को कायम रख पाने की असफलता, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कि आध्यात्मिक खोज के लिए अपने उत्साह को कायम रख पाने की असफलता ये मुख्य कारण है कि आध्यात्मिक प्रत्याशी दोबारे अपने उसी पुराने सामान्य जीवन स्तर पर वापस आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज करके आते हैं, कम से कम हजारों फीस भी दे के आते हैं कि भाई ये बड़े आश्रम में किसी सदगुरु के अंदर जाके ट्रेनिंग लेके आए, 10 दिन का ट्रेनिंग कोर्स किया, 6 दिन का ट्रेनिंग कोर्स किया, वहां पे जब थे तब उत्साह क्या था, मेंटेन था, क्योंकि वो सब चल रही थी एक्टिविटी, फिर घर आने के बाद क्यों हम अभ्यास नहीं करते हैं? उसका कारण यहां पे मिलेगा कि जो आध्यात्मिक खोज के लिए अपना उत्साह को क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाते हैं, कोई अभ्यास क्रम करते नहीं है क्योंकि उत्साह है ही नहीं उसके लिए, उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप अभी हुआ ही नहीं है, इसलिए हम लोग वापस अपने रूटीन में आ जाते हैं। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देते हैं डॉक्टर सहर जी कि जैन योगा में उत्साह के इस अपरिहार्य गुणवत्ता, इस स्पेशल गुण को एक नाम देते हैं जिसका नाम है क्या, प्रीति। हिंदी में भी प्रीति है और इंग्लिश में भी वो नाम क्या रखते हैं, प्रीति ही रखते हैं। सच यानी प्रीति क्या होती है, सच्ची खुशी का वो तत्व जिससे हम कोई काम करते हैं, यानी जब हम कोई काम करते हैं तो अंदर से वो सच्ची खुशी का तत्व आ रहा है कि नहीं, वो कहते हैं प्रीति, है ना। वो अगर प्रीति है यानी आपको सच्ची खुशी मिल रही है तो आप हमेशा काम करते रहोगे, और वो खुशी मिलती नहीं है तो आप कभी भी वो काम 2 दिन तो करोगे, 3रे दिन करोगे नहीं। अब ये क्या होता है, असाधारण घटनाओं के लिए प्रीति निर्माण करना इजी है क्योंकि खुशी मिलती है ना, शादी है घर में तो सबको खुशी है, तो इसलिए बहुत ही प्रीति जुड़ जाती है, लेकिन वो जब खत्म हो गई तो फिर वाकस हुई जितना उत्साह निर्माण होता था वो होता मेंटेन होता नहीं है। इसी प्रकार से आगे बताते हैं, हमारी प्रसन्नता के कार्यों के लिए तो हम सभी समय सही समय पर उठ जाते हैं और उन कार्यों के लिए पूरी तीव्र इच्छा के साथ कार्य भी करते हैं। प्रसन्नता यानी जो आपके मन को प्रसन्न करने वाले कार्य है ना, उसके लिए तो सुबह उठोगे ही उठोगे, टाइम पे उठोगे, कुछ भी हो जाए। और अगर आपको प्रसन्न करने वाले कार्य ना हो, है ना, सुबह को मनोज को बोलो उठो एक एयरलाइन टिकट बुक करनी है 4 बजे, हाँ प्रसन्न करने वाला कार्य है
या कोई स्पेशल प्रोग्राम है ना, किसी सत्संग को कवर करना है 4 बजे या अभी 8 बजे, तो एकदम उत्साह के लिए क्या करना है, एकदम तैयार होकर आ जाएंगे, क्योंकि हमको क्या करता है उससे खुशी मिलती है, उससे हमारी क्या हो गई है, प्रीति जुड़ चुकी है। तो हमारी प्रसन्नता के कार्यों में हम सही समय पर उठ जाते हैं, है ना, और उस काम को बिल्कुल तीव्र इच्छा के साथ करते भी हैं। केवल एक उत्साह से भरे जीवन में ही सृजनात्मकता आ सकती है। सृजनात्मकता माने क्या, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, है ना, सृजनात्मकता यानी क्या होता है, अगर आप उत्साह है अंदर तो क्रिएटिव हो जाओगे। जैसे इस कार्यक्रम के लिए उत्साह इतना था, 25 तारीख का जो दशहरे का कार्यक्रम था, बुक रिलीज सेरेमनी का, अष्टांग योग किताब का, कि जब वो सर्वे करने इनकी टीम आई थी, डीजी सिग्मा की टीम, तो इतना उत्साह के साथ हमको करना है, तो क्रिएटिव थे, यानी ऐसा करेंगे तो ऐसा अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना, पहले से ही रिकॉर्डिंग करके रखेंगे तो अच्छा होगा, अगर लाइव रिकॉर्डिंग चलाते हैं तो ये तकलीफ होगी, यानी इसको क्या कहते हैं, क्रिएटिव माइंड। तो उत्साह था तो आपके अंदर क्या आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, यानी अलग अलग स्वरूप से हम उसको करना चाहेंगे क्रिएटिव तरीके से, और क्रिएटिव कोई भी चीज़ करोगे तो उत्साह कायम रहता है, और वही रहेगा भासी चीज, तो फिर उत्साह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप उत्साह रहेगा तो क्रिएटिविटी रहती है। जब हम सृजनात्मक रूप से जीते हैं तो हमारे कार्य घिसे पिटे नहीं रह जाते, वही बता रहे हैं, बल्कि उनमें एक अपने आप एक नयापन आ जाता है, क्योंकि हम नया नया चीज करने की, नया नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उत्साह है उसमें। उत्साह के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है किसी विषय वस्तु या व्यक्ति में एक गहरी रुचि। उत्साह लाना है ना, एंथ्यूज़, उत्साह यानी क्या, एंथ्यूज़ियाज़म चाहिए आपको अंदर से किसी भी काम करने को, लेकिन वो तब आएगा जब आपको किसी भी चीज में गहरा इंटरेस्ट होगा, गहरा इंटरेस्ट होगा। अब मेरा गहरा इंटरेस्ट है ज़ेन योगा में, है ना, तो क्या होगा, कभी भी बोलो उठ के, भाई करना है लेक्चर, कुछ करना है, किसको बात समझाना है, तो आदमी उठ के आ जाएगा, क्योंकि क्या है, गहरी रुचि है, तो उत्साह हमेशा लगा पड़ा है। कभी भी बोलो, हाँ बाबा शुरू करना है, हाँ शुरू करना है, चलो करना ही है, इसके लिए फायदा होगा आश्रम के लिए, इस प्रकार से अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो इतने लोगों तक पहुंच पाएंगे, हाँ चलो करेंगे, इस प्रकार रिकॉर्डिंग करेंगे तो ऐसा फायदा होगा, तो उसके लिए करेंगे, क्योंकि उस गहरी रुचि है, यानी डीप इंटरेस्ट है, इसलिए हम वो काम कर लेते हैं। क्या आप बिना रुचि के उत्साह की कल्पना कर सकते हैं? अगर किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं हो, अरे तो उसमें एंथुसियाज्म कहाँ से आएगा भाई, वो आदमी ऐसे ही डल हो जाएगा ना, वो बिल्कुल रुचि नहीं होगी तो आपका उत्साह निर्माण होगा ही नहीं। इसलिए गहरी रुचि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उत्साह को निर्माण करने के लिए। अब गहरी रुचि की विपरीत, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गहरी रुचि का विपरीत हमको लगेगा कि किसी चीज़ में रुचि है या किसी चीज़ में रुचि नहीं है, इसको कहते हैं अरुचि। इंटरेस्ट है या तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर सैयर जी बताते हैं कि गहरी रुचि का अपोजिट जो होता है वो डिसइंटरेस्ट नहीं होता है, सतही रुचि, सुपरफिशियल इंटरेस्ट, वो उसका अपोजिट है, है ना, जिसको कहते हैं छिछली रुचि, या तो छिछली यानी ऊपर ऊपर का सुपरफिशियल इंटरेस्ट, जिसको उपयुक्त तौर पर एक शब्द दिया है जिसका नाम क्या है, क्षणिक उत्तेजनावाद, यानी सेंसेशनलिज्म भी कहा जाता है। तो या तो आपको डीप इंटरेस्ट है या तो डिसइंटरेस्ट नहीं है, क्या है, छिछला इंटरेस्ट है, हर एक चीज में क्या है हमारा, सुपरफिशियल इंटरेस्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे उत्साह जो चाहिए किसी चीज में, गहरा इंटरेस्ट, तो गहरा इंटरेस्ट का अपोजिट क्या बता रहे हैं कि सुपरफिशियल इंटरेस्ट, न कि डिसइंटरेस्ट। सच्चा उत्साह एक गहरी रुचि की धरती पर खड़ा होता है, एक रुचि जो प्रतिबद्धता से जुड़ी होती है और इसलिए निर्वाह करती है बहुत गहराई तक। जो सच्चा उत्साह होता है ना, वो जो धरती पे खड़ा होता है ना, वो गहरी रुचि की धरती पे खड़ा होता है, और ऐसी रुचि जिसमें क्या है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता यानी क्या, आपकी कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट है इसलिए वो क्या है, उसकी जड़ों को गहराई से भी जाती है और उसको गहराई से उसको पानी मिलता है, इसलिए वो कभी रुचि जाती नहीं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, हमारा क्या है, सुपरफिशियल इंटरेस्ट तो हर एक चीज़ों में, हर एक चीज़ों में, हर एक चीज़ में हम क्या करते हैं, ये बात सुनते हैं, आज ठीक है, ये भी सुना, ये भी सुना, ये भी सुना, फास्ट फास्ट न्यूज़ सुनी, इसमें क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, उधर अर्णब गोस्वामी का क्या हुआ, फिर IPL में क्या हो रहा है, कौन सी टीम जीतती है,
फिर आज इसका क्या हुआ, आज कोविड में कितनी मौत हुई, कितने नए केसेस आए, तो ये सारी चीजें क्या है, सब चीजों में हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन क्या है, किसी भी चीज में क्या है, गहरा इंटरेस्ट नहीं है, सुपरफिशियल इंटरेस्ट। सुन ली बातों को, आ गई कान, चलो न्यूज आ गई, आज की न्यूज बस, फिर कल भूल गए, फिर कल फिर वही चीजें, फिर कल वही क्या करेंगे, वही सुपरफिशियल न्यूज को हम इकट्ठा करेंगे और गहराई में किसी के भी नहीं जाएंगे, भाई इस आदमी को क्यों अरेस्ट किया गया, इसका क्या कारण था, है ना, उस पर गहराई में किसी में जाएंगे नहीं, लेकिन सुपरफिशियल हर एक चीज का ज्ञान हमको चाहिए, इसको कहते हैं छिछली रुचि या तो सुपरफिशियल इंटरेस्ट, लेकिन उसमें क्या होता है, गहराई से आपकी वो कमिटमेंट निर्माण नहीं होती जो कि गहरी रुचि में निर्माण होती है। व्यक्ति जो पूरा भरा पड़ा है ऐसी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट के से खोज के लिए, आपकी खोज के लिए, यानी यहां के हम बात क्या कर रहे हैं, हमारी खोज क्या है, हमारी खोज है हमको CCS तक पहुंचना है, उसके लिए अगर हमारा गहरा उत्साह निर्माण हो जाता है, गहरी रुचि निर्माण हो जाती है जिसके कारण हम उत्साहित हो जाते हैं, तो ऐसा आदमी क्या होता है, कमिटेड हो जाता है, किसके लिए, उस खोज के लिए, वो इतना ज्यादा उत्साहित होता है कि वो सामान्य जीवन में भी नीरसता नहीं अनुभव करता है। एक बार आपको आदत लग गई ना किसी भी चीज, हर एक चीज की गहराई में जाने की, तो फिर आपको जो रूटीन चीजें हैं ना उसमें भी आपको हर एक चीज में आप गहराई में चले जाओगे और समझ पाओगे, और फिर आपको उसमें क्या होगा, जो थकान आती है, जो उप जाता है आदमी रूटीन चीजों में, वो उबाऊपन आपको नहीं आएगा, वो नीरसता अनुभव नहीं करता है, अथवा छोटी छोटी बातों में कितनी भी अक्सर वो आती हो, बाधाएं कितनी भी बड़ी हो, उससे वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि छोटी मोटी बाधाएं तो आती है, लेकिन आप एक बार गहराई में आपका जाना शुरू किया तो हर एक चीज की गहराई में जाओगे और फिर छोटी छोटी बाधाएं आपको क्या करेंगी, विचलित नहीं करेंगी। कारण क्या है कि ज्यादातर लोगों के पास अपनी खोज के प्रति इस तरह का कभी न खत्म होने वाला उत्साह नहीं होता। अब यहां पे कारण भी बताएंगे कि क्यों ऐसा है कि अपनी खोज का तो आपने टारगेट तो रखा है बहुत बड़ा CCS, लेकिन उत्साह नहीं निर्माण कर पाते, क्यों नहीं निर्माण कर पाते, अथवा किसी के लिए भी सिवाय कदाचित अपने नाती पोतों और के साथ लाड प्यार करने में, यानी हम किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लग पाते हैं इतना गहरा, सिर्फ ऐसा हो सकता है बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ शायद आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे हमेशा के लिए, या कोई दादा दादी हैं तो अपने नाती पोतों के साथ यानी अपने पोइटा डोटा इनके साथ बैठ के मस्ती करेंगे, उसमें उत्साह कायम रहता है, उसमें हम कायम रख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी चीजों में अपना उत्साह हम क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उसके कारण बताते हैं यहाँ पे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। कारण क्या है कि ज्यादातर लोगों के पास, आप जैसे मैंने बताया, नहीं होती है ये, उत्साह की कमी होती है, वो है क्योंकि आधुनिक इंसान जीता है अपनी जिंदगी ऊपरी सतह पर, हम लोग अपनी जिंदगी क्या कर रहे हैं, सुपरफिशियली जी रहे हैं, जैसे बताया ना ये जो सुपर इंटरेस्ट है हमको इतनी सारी चीजों में, यानी उसका मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज में गहराई में जाते नहीं है, सुपरफिशियल जीते हैं, इसलिए ये गहरी रुचि हमारी निर्माण होती नहीं है, इसकी मदद नहीं की जा सकती है आधुनिक तकनीकी सभ्यताओं से, क्योंकि यहाँ ज्यादा जोर दिया जाता है गति और निपुणता पे। और ऐसा भी मत समझो कि आजकल मॉडर्न जमाना है, 21st century है, हमारे पास सब ये टेक्नोक्रेसीज हैं, यानी ये सब चीजें हमारे पास आधुनिक मोबाइल फोन्स हैं और ये हैं और वो है, वो हमारा उत्साह निर्माण करने में मदद करेंगी, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसके ऊपर ज्यादा भर दिया जाता है, दो चीजों पर, या हम उत्साह क्यों नहीं निर्माण कर पाते हैं कि हमारा आजकल के जमाने में जो ज्यादा जोर दिया जाता है वो दो चीजों पर जोर दिया जाता है, पहला है गति और दूसरा है निपुणता। गति यानी क्या, हाँ भाई आपने कहा तो सही भाई, हमको क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे पहुंचना है, तो कितनी जल्दी पहुंचेंगे बताओ, फास्ट बताओ, यानी हम पहुंचना चाहते हैं लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम गाई गाई में, हमको क्या करना है, जल्दी पहुंचना है, बस तुरंत पहुंच जाएं, आज शुरू किया अभ्यास 10 दिनों के अंदर वहां पे पहुंच जाएं, तो ये गति तो पॉसिबल नहीं है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना फास्ट चीजें घटती नहीं है, ये तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा धीरे धीरे क्रमिक क्या होता है, विकास होता है, तो उसमें गति काम नहीं आती, और ऐसा आदमी गति में रहेगा और उसको गति में वो नहीं मिला रिजल्ट, तो उसका क्या हो जाता है, उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होता है, निपुणता यानी परफेक्शन, हम सोचते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तब हम ये काम शुरू करेंगे, अभी तो हम परफेक्ट नहीं है ना, हाँ ना, हमारे केंद्र अभी परफेक्ट नहीं है, जब हमारे केंद्र का रेशियो 5:2:1 हो जाएगा तब हम जाएंगे, अभी तो हमारा रेशियो बिगड़ा हुआ है तो हम परफेक्ट नहीं है,
अरे लेकिन ये बात समझ में आती ही नहीं है कि भाई कोई भी चीज़ आदमी स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस आते जाएंगे, तो आप क्या हो जाओगे, उसी चीज़ में क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे जोर देते हैं कि हम गति को ज़्यादा ध्यान देते हैं और परफेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं, जबकि हमें किसी भी चीज़ में घाई नहीं करनी चाहिए। और परफेक्शन तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो आएगा ही, और फिर आपका रियल उत्साह उसमें निर्माण हो जाएगा। अब हम सभी एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं, हम सभी एक भयानक जल्दबाजी में है वहाँ जाने के लिए जहाँ पर हम यहाँ से बेहतर नहीं होते। यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, हमको देखो जाना है किधर, घाई घाई में हम लोग रहते हैं रास्ते पे, नहीं ओवर ट्रैफिक में क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे, जाना है पहुँचना है कहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर बैठे थे तो भी मोबाइल खेल रहे थे, वहाँ पर जाके पहुँचोगे तो भी मोबाइल खेलोगे, तो फिर वहाँ पहुँच के आपने क्या बेहतर किया रास्ते में, लेकिन क्या हमको बस घाई लगी पड़ी, हमको जहाँ पे पहुँचना है वहाँ जल्दी पहुँचना है। तो इस प्रकार से हम लोग भयानक जल्दबाजी में रहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, जहाँ पर पहुँचने के बाद हम इस कंडीशन से बेहतर कंडीशन में नहीं होते, वही कंडीशन है लेकिन बस घाई है तो पहुँचना है। इस तरह की तेज या उथली जिंदगी को चलाते रखने के लिए मानसिक बहलावों की लगातार जरूरत पड़ती है। ये जो तेज फास्ट लाइफ हम जीते हैं ना, वो फास्ट लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ मानसिक यानी मेंटल बहलाव चाहिए। हमारी ज़िंदगी में क्या चाहिए, कुछ ना कुछ हमको ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमें बहलाव दे, है ना, हमें एक्साइटमेंट दे, बहलाव करे, ऐसी चीज़ों की लगातार ज़रूरत पड़ती है। बिना आध्यात्मिक अत्यधिक मजे अथवा रोमांच के इन कठिन परिश्रम वाले नीरस कार्यों से निराशा या अस्वाद डिप्रेशन का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, जिससे हम बच नहीं सकते। अगर ये बहलाव ना हो, जिसको कहते हैं बहलाव को क्या बोलते हैं डॉक्टर सैयद जी, किक्स चाहिए। क्या चाहिए, हमें अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ किक्स चाहिए। कौन से किक्स हैं बताएंगे अभी, और अगर ऐसे हमको नहीं मिलते हैं किक्स, है ना, तो फिर क्या है, हम लोग का जिंदगी नीरस, और बोलते हैं क्या मजा लाइफ में, छोड़ यार, आदमी क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, बोर हो जाता है, और कभी कभी इससे डिप्रेशन का खतरा भी होता है अगर मेंटेन का। अभी देखो सडनली कोरोना के काल में आपने देखा, हमने बहुत सारे पेशेंट देखे जो लोग क्या करे गए, डिप्रेशन, क्योंकि जो रूटीन एक्टिविटीज, जो मजे वाली एक्टिविटीज हम करते थे और बिंदास करते थे, उस सब के ऊपर क्या लग गया, बैन लग गया। एक जगह बैठे यहाँ पे कोई नहीं, कुछ है ही नहीं, सिर्फ बैठ के टीवी देखो या चुपचाप बैठो अपने रूम में, बाहर निकलना बंद। तो जिनके मौज मस्ती वाली जिंदगी थी उनको, तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा डिप्रेशन में आ गए, एक तो डर कोरोना का डर, और ऊपर से सारी एक्टिविटीज बंद, यानी जो बहलाव थे, जो किक्स मिलते थे, यानी पार्टियों में जाओ, यहाँ जाओ, लेट नाइट आओ, यहाँ से तो घर से निकलना नहीं, लेट नाइट की तो बात ही छोड़ो, और दिन में भी घर से नहीं निकल पाते हो आप, तो कहने का मतलब क्या है, इससे डिप्रेशन का खतरा मंडरा सकता है। आधुनिक संसार को इस तरह वर्णित किया जा सकता है जैसे किसी को मदहोश रहने के लिए एक तरह की या दूसरे तरह की मजेओं या बहलाओं के माध्यम से निरंतर उत्तेजित रखना पड़ता है। यानी संसार में हमको अगर आगे बढ़ना है ना, हमको उत्तेजित रहना है ना हमेशा, तो कुछ ना कुछ मजे चाहिए। वो मजे रहेंगे ना तो जिंदगी में उत्साह रहता है, मजे नहीं है तो खत्म, और आदमी फिर डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे कौन से मजे हमको लगते हैं, अरे क्या करें, लॉकडाउन में कुछ काम ही नहीं है, रात को बैठे हैं, चलो एक दो पेगी मार, ये यानी शराब एक क्या है, मजा है, और फिर सेक्स भी एक क्या है, मजा है, उसके अलावा क्या है, नींद की गोलियां लोग खाते हैं, क्या करें, नींद ही नहीं आती है, टेंशन आ गया इतना, नींद की गोलियां, वो भी एक लोगों के लिए किक है, यानी नींद काटने के लिए भी गोलियों की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा क्या है, स्वादिष्ट भोजन, ये तो बहुत बड़ी किक है, इसके लिए तो लोग कहाँ कहाँ जाते थे, और देखो लॉकडाउन में भी कैसे चोरी छुपे लोग अपने घर में कहाँ कहाँ से ऑर्डर, क्योंकि क्या है, इसके बिना जिंदगी कैसे जिएंगे भाई, बाहर का खाना तो चाहिए ना, है ना, डोली वड़ा पाव तो चाहिए, कहाँ से लाएं, और उसके लिए लोग चोरी छुप छुप के भी क्या करके अपने घर में सेटिंग करके बाबा भेज देना, आते थे ना घर में ऑर्डर्स। तो ये खाना भी क्या है, एक प्रकार की स्वादिष्ट भोजन भी एक प्रकार का किक है। या फिर घर पे बैठे हैं कुछ काम नहीं, सीरियल देखो, मर्डर सीरियल देखो, ये सीरियल देखो, वो सीरियल देखो, टीवी पे प्रोग्राम देखो, मैच तो बंद हो गई थी वो भी खत्म हो गई, तो आदमी वही फिर रामायण देखने बैठ गए, क्या करें, रामायण महाभारत, इस प्रकार से, कहने का मतलब क्या, अपने मन को कहाँ ना कहाँ तो उलझा के रखना है ना, तो इस प्रकार से ये टीवी सीरियल्स होते हैं।
फिर क्या होता है, बीवीएल अभी शुरू हो गया है और कोई काम धंधा नहीं है, क्रिकेट जाके खेल नहीं सकते हैं बच्चे लोग बाहर, है ना, उसके बैन था, तो चलो जो चल रहा है उसको ही देखो बैठ के सारा दिन, बीवीएल आईपीएल में क्या चल रहा है, ये भी एक क्या है, बहलाव है। यहाँ तक कि गुरु नामक चीज भी एक बहलाव हो गई है कि गुरु लोग भी करते हैं, क्यों, हम तो गुरु, हमने तो गुरु किया है भाई, राम को रोज सत्संग पे जाते हैं, और सत्संग पे क्यों जाते हो, अरे दो सहेलियां मिलती है वहां पे, है ना, आपस में बातचीत होती है, कुछ नए कपड़े वपड़े पहन के, यानी ई केंद्र को दिखावे के लिए कुछ मिलता है वहां पे, है ना, और जाने के बाद एंड में प्रसाद तो मिलता ही है ना भाई, है ना, तो ये भी क्या है, गुरु भी लोग करते हैं क्या, अपने बहलाव के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास होता है, नहीं तो टाइम पास करे कैसे आदमी। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या है, किक्स बन गई है जिसके बिना जिंदगी गुजारना, क्योंकि हम क्या है, सुपरफिशियली जी रहे हैं ना, तो ये लगती है, ये नहीं हो बहलाव तो आदमी की जिंदगी खत्म। और सबसे बड़ा बहलाव आजकल जो सबके हाथ में वो है ये मोबाइल फोन, इसके ऊपर बैठे तो जिंदगी कूटेगी कटेगी। और जिस दिन बोला मोबाइल खींच, अरे मोबाइल खींच लिया, लोग अस्वस्थ, हम लोग आश्रम में पहले पहले रूल बनाया था कि मोबाइल नहीं देंगे अलाउ कर, तो लोग आते ही नहीं, इनके आश्रम में जाएंगे कैसे, मोबाइल अलाउड ही नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे भाई। तो ये सबसे बड़ा मोबाइल आजकल क्या है, बच्चे हो बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, दादा तो दादा, दादी तो दादी, नानी तो नानी, सबके हाथ में क्या है, एक प्रकार का बहलाव जिसमें मस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाँ हमारा बेटा बैठा है अमेरिका में, उससे हमने बात की, सुबह बात की, दोपहर को बात की, शाम को बात की, बहलाव, हाँ टाइम पास, कैसे हो। तो ये सबसे बड़ा क्या हो गया है आजकल के ज़माने में, बहलाव हो गया है। अब सच्ची, ध्यान देना यहाँ पे, सच्ची आध्यात्मिकता तो मुख्य रूप से एक गहरी अनुभूति का विषय है, जो सच्चाई, जो जो स्पिरिचुअलिटी, यानी सच्चाई क्या है स्पिरिचुअलिटी की, कि आपको अनुभव आने चाहिए, वो स्पिरिचुअल लाइफ में आपको जब तक अनुभव नहीं आएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सच्ची आध्यात्मिक लाइफ वो है जिसमें आपको क्या होना चाहिए, गहरी अनुभूति का विषय, न कि किसी बहलाव। अगर आप बहलाव में ही अपना जीवन गुजारोगे तो आपको कोई अनुभव नहीं आएगा, और कोई अनुभव नहीं आएगा तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी आगे प्रगति होना असंभव है ना। कैसे रुचि निर्माण करोगे जब आपको अनुभव ही नहीं आएगा, तो कैसे उत्साह निर्माण होगा। इसलिए प्रॉब्लम होता है आजकल कि सच्ची आध्यात्मिकता के मुख्य रूप से क्या होता है, एक गहरी अनुभूति का शास्त्र है, जहां पे अनुभव नहीं आए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक हम हमारे मन को उथले स्तरों पर काम करने देंगे तब तक हमें गहरे अनुभव आ नहीं सकते, क्योंकि किया ही नहीं आपने, प्रैक्टिस ही नहीं किया, सिर्फ उलझे रहे सारा दिन खाली सुपरफिशियल चीजों में, तो कोई अनुभव आना नहीं, और अनुभव नहीं आएगा तो कुछ भी आगे बढ़ेंगे नहीं बिना गहरे अनुभव के। देखो क्या मस्त बताते हैं यहाँ पे, अगर आपको अनुभव नहीं आते तो क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिलेगा। बिना गहरे अनुभव के हमें संभोग की गुदगुदाहट तो मिल सकती है लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता। संभोग तो कर ही लोगे लेकिन जो प्रेम का जो तत्व है, वो आपस में जो दो पार्टनर्स के बीच में प्रेम होता है, वो नहीं, अनुभव नहीं आया तो प्रेम मिलेगा नहीं। सिर्फ संभोग तो कर ही लोगे आप लेकिन प्रेम नहीं मिलेगी। दावतें तो मिल सकती है लेकिन दोस्ती नहीं मिल सकती। दावतों पार्टियों में जाओगे लेकिन गहरी दोस्ती किसके साथ रखनी है तो वो दावतों से पूरी नहीं होती, क्योंकि उसमें अनुभव नहीं है। सिद्धांत तो मिल सकते हैं लेकिन विश्वास नहीं मिल सकता है। इसके अलावा क्या बता दें, प्रतिष्ठा तो मिल सकती है, आप प्रतिष्ठित तो हो सकते हो, पैसा तो कमा सकते हो, बहुत आपका नाम हो गया, लेकिन चरित्र तो नहीं मिलेगा ना उससे, क्योंकि चरित्र तो आपके अनुभवों के ऊपर है। जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे तो आपका चरित्र निर्माण होता है ना। बाकी धंधा वंदा करोगे और उसमें मौज मस्ती करोगे तो सिर्फ प्रतिष्ठा मिलेगी, क्या ये आदमी के पास इतना पैसा है, लेकिन चरित्र उससे मिलता नहीं है। धर्मशास्त्र तो मिल सकते हैं लेकिन धर्म नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से जब तक अनुभव नहीं होते हैं तब तक हमको ये चीजें मिल ही नहीं सकती है। एक मन जो होता है तथ्यों की चीर फाड़ करके संतुष्ट तो हो सकता है मगर उसमें मौजूदा आत्मा को समझ पाने में वो असमर्थ होता है। ऊपर ऊपर से सब करोगे ना तो चीर फाड़ करोगे, हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ, आज मेरे को इतना घाटा हुआ, आज इतना फायदा हुआ, ये सब कर लोगे चीर फाड़, लेकिन गहराई में नहीं जाओगे तो हर एक चीज के अंदर जो आत्मा छुपी हुई है उसको आप अनुभव, क्योंकि आत्मा तो क्या है, गहराई से अनुभव से ही आपको उसका अनुभव आ सकता है। गहराई में जब जाओगे, केवल अनुभूति की गहराई ही, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अनुभूति की गहराई आध्यात्मिकता का मापदंड है, यानी एक ही मापदंड है स्पिरिचुअल लाइफ। आप आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे उसका मापदंड क्या है, एक ही लक्षण है कि आपको अनुभव कितने गहरे आते हैं,
वही उसका मापदंड है। और ये व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर नहीं करता है कि कौन से कार्य करता है व्यक्ति, उस पर आधारित है कि आपको अनुभव आएंगे कि नहीं। अनुभव जिनको आना है वो आ सकते हैं। आप एक आदमी जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा बताते हैं यहाँ पे। एक आदमी जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, जहाँ पे मालूम है आपको दिन भर क्या रहता है, उतार चढ़ाव, ऐसा उथली पुथली लाइफ, पता ही नहीं कितना टेंशन होता होगा वहाँ पे। यहाँ एक आदमी जो एक वैश्याग्रह में काम करता है वो ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकता है उनके कंपैरिजन में, जो क्या करते हैं किसी चर्च का कोई पादरी हो या मंदिर का कोई पुजारी हो, है ना। और कोई लोग जो आश्रम में काम करते हैं, आश्रम में रहते हैं, उन लोगों की अपेक्षा एक आदमी जो किसमें वैश्याग्रह में काम कर रहा है या स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है, वो ज़्यादा क्या हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। क्योंकि वो अगर वो रुचि के साथ काम कर रहा है, कोई भी क्षेत्र हो उसका, लेकिन गहराई से काम कर रहा है, सच्चाई से काम कर रहा है, तो वो ज्यादा आध्यात्मिक है एक चर्च के पादरी के कंपैरिजन में। यहाँ लोग जो आश्रमों में काम करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आश्रमों में काम करने वाले क्या करते हैं, कपड़े कपड़े निकाले खड़े हो गए धरना करने, है ना, क्या करने, हम लोग क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। तो ऐसी अवस्थाएं आश्रम में रह रहे हो उसका मतलब नहीं है कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है कि आप आश्रम में रह रहे हो, यानी आप आध्यात्मिक हो गए, और वो बेचारा वैश्याग्रह में काम कर रहा है यानी वो आध्यात्मिक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके कार्य क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है कि आप आध्यात्मिक हो कि नहीं हो, यह निर्भर करता है, है ना। तो इसलिए बता दें, एक बहुत ही अच्छा बता दें, बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश यहाँ पे यूज की है, देयर इज नो पेनुम्ब्रा ऑफ अप्रोबेशन अराउंड एनी एक्टिविटी सुई जेनरिस। यानी कोई भी अद्वितीय कार्य करते हैं ना आप, अद्वितीय कार्य, किसी भी अद्वितीय गतिविधि के आसपास उसकी प्रशंसा की उपछाया नहीं रहती। आप ऐसा मत समझो कि हमने आश्रम में काम कर रहे हैं यानी अब उस छाया में आ गए और हम क्या हो गए, सुधर गए बस। अरे नहीं भाई, नहीं, जब तक अनुभूति नहीं आई ना, आश्रम में रहकर भी अगर आपको अनुभव नहीं आया ना, तो आप उनसे भी बदतर हो जो दूसरी जगह पे जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बेचारे गरीब मजदूर काम कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा अपने कार्य के प्रति क्या है, कमिटेड हो। और आपको इतना आश्रम में रहने के, इतना भगवान ने सुविधा दी है कि आप अपने को आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना उन्नत कर सकते हो, फिर भी ऐसी एक्टिविटी करके आदमी कुछ नहीं, क्योंकि वो किसने कभी गहराई में गया नहीं, बस सिर्फ काम करना है और अपने काम से मतलब अपनी पगार मिलती है, हम काम करते हैं बस, ऐसा ही अगर रखोगे ना सुपरफिशियल इंटरेस्ट, तो कहाँ पे भी आपको अनुभव नहीं आएगा, अनुभव नहीं आएगा तो आपकी प्रगति होना इम्पॉसिबल है। और इसलिए ज़्यादातर लोग असंतुष्ट होते हैं उनके जीवन के सामान्य स्थितियों के साथ, क्योंकि गहरा उत्साह नहीं होता है ना, सुपरफिशियल इंटरेस्ट से सुपरफिशियली काम करते हैं। तो इसलिए देखा होगा बड़े बड़े आश्रमों में भी जाके किसको पूछो, कैसे हो भाई, कैसा काम करते, हाँ चल रही है जिंदगी, जैसे घसीट रहे हैं, क्योंकि है गहराई से कभी काम किया ही नहीं है, तो उनको कोई अनुभव ही नहीं है, तो जिनको लगता है जैसे नॉर्मल काम कर रहे हैं वैसे यहाँ भी काम कर रहे हैं, बस अपनी पगार लो, काम करो, हो गया, है ना, छुट्टी तो छुट्टी, बस कोई परवाह नहीं उनको, कभी डेप्थ में उसमें गए नहीं, इसलिए अपने चीज़ों से क्या रहते हैं, वो असंतुष्ट रहते हैं। क्योंकि सतही स्तर पर जिया गया जीवन हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करता रहता है, वैसे ही जैसे एक खराब कारीगर अपने ही औजारों को बड़ा बोला गए। जो लोग सुपरफिशियली जीते जीते ना, तो हर एक चीज कोई गलत घटी ना, और वो तो घटने वाली है। जब आप सुपरफिशियली लाइफ जियोगे तो आपके जीवन में सामान्य चीजें बरोबर घटेंगी नहीं, कहाँ ना कहाँ तकलीफें आएंगी। और वो जब तकलीफें आती है ना, तो आदमी फिर क्या करता है, भाग, क्या करें भाई, नसीब में है, अपने कर्म ऐसे किए होंगे, अगले जन्मों में कर्म किए होंगे, अभी भी नहीं मानते हैं कि इस जन्म में हमने कोई गलत काम किए हैं। अरे इस जन्म में आपको इतना क्षेत्र मिला है, आश्रम में काम कर रहे हो, आपको बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ आगे काम करना चाहिए, आपको अनुभूति आनी चाहिए, लेकिन वो किया नहीं और तकलीफें आ गई, कोरोना ने पकड़ लिया, फिर क्या करें भाई, कर्मों का फल है। हाँ, कर्मों का फल है, वो भी अगले जन्म के कर्मों का फल है, इस जन्म में कुछ गलत किया ही नहीं हमने, हम तो क्या है, दूध के धुले हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो हमेशा कंप्लेनिंग मूड में रहता है। जैसे एक खराब कारीगर हो, कारीगर तो है खराब, लेकिन किसको दोष देता है, क्या करें भाई, ये समझो कारपेंटर है, तो वो आज वो बरोबर नहीं चल रही है ना, आड़ी चल नहीं रही है, इसलिए मैंने आज बरोबर फर्नीचर बनाया नहीं। कहने का मतलब क्या है, खराब नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी आता ही नहीं नाच, लेकिन बोलेंगे कि आंगन टेढ़ा, इसलिए मैं नाच नहीं कर पा रहा हूं। तो खराब कारीगर, इसी प्रकार से हम, क्योंकि किसी भी चीज में गहराई में जाते नहीं है, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं,
भाग्य के प्रति हम लोग, किस्मत के प्रति हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं, भगवान ने पता नहीं क्यों हमको ऐसी सजा दी है। इस नाराज व्यक्ति की असंतुष्टियां, अब ये नाराज है क्योंकि क्या है उसके भाग्य में, वो कोस रहा है अपने भाग्य को, तो उसकी असंतुष्टियां बहुत पुरानी है क्योंकि उसकी आदत है ना कब से हर एक चीज में कंप्लेन करता रहता है, क्योंकि हमेशा जिंदगी क्या किया उसने, सुपरफिशियल लेवल पे ही जिया है और हमेशा उसको तकलीफें आती रहती है, और हमेशा जब तकलीफें आती है तो क्या करता है वो भाग्य के बारे में रोता रहता है, तो इसकी असंतुष्टियां क्या है बहुत पुरानी होती है, क्योंकि वो जीवन के सभी प्रसंगों को सदा की अन्याय की भावना के समान रूप से रंग देता है बजाय अपने आशीषों के गिनने। हर एक बार कुछ भी गलत होता है तो वही कंप्लेन करता है, लेकिन उसके प्रति जो भगवान ने उसको जो देन दी है आशीष, यानी जो इतनी कुछ चीजें उसके पास मिली है, वो जो मिला है उसका कभी थैंक्स करेगा नहीं, और जो चीजें तकलीफ देती है हमको उसके बारे में क्या करते रहेगा वो कंप्लेन करते रहे, तो ये जूना आदत है उसको, और जूनी आदतें ऐसी जाती नहीं है। ऐसा व्यक्ति कलह लेके चलता है उसके विरुद्ध जिसे वो क्या बुलाते हैं अपनी किस्मत बुलाते हैं, भाई मेरी किस्मत है, उसके अगेंस्ट हमेशा कलह लेके चलेगा, उसके अगेंस्ट हमेशा विरोध की भावनाएं लेके चला, मेरे किस्मत में ही ऐसा है, क्या करूं मेरी किस्मत में ऐसी हानि ही हानि है, ऐसी तकलीफ ही तकलीफ है, सारा दिन सिर्फ क्या करते रहेगा कंप्लेन, क्योंकि कभी उसने अपने आशीषों को गिना नहीं है कि कितने भगवान के आशीर्वाद है। मैं तो बहुत ही खुशनसीब मानता हूं, मैं अपने आशीर्वादों को लिए, हम लोग इतने खुशनसीब खुद को मानने चाहिए कि ऐसा अद्वितीय किताब जो डॉक्टर पीजे सैर जी ने लिखा है वो हमारी जिंदगी में आया, और फिर ऐसे आशीष शुक्ला हमारे जिंदगी में आए जिन्होंने ये किताब हमारे पास पहुंचाई, और फिर हम उसको पढ़ पाए और उसका फिर अनुवाद कर पाए और फिर उसको हिंदी में ला पाए, और आज कितना हम खुशनसीब हैं कि इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और उसके कुछ लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं तो इतना खुशनसीब मानता हूँ, इतने आशीष हैं। और ये सब ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही जैन योगा आपकी ज़िंदगी में आती है आशीषों का आना, आशीषों को गिनना शुरू करो, जो भी हमको मिला है ना उसको गिनोगे ना, जो पॉजिटिव चीज़ें हमको भगवान ने दी है ना, तो सब कंप्लेंस क्या हो जाएगी निकल जाएगी, लेकिन हम वो गिनने के मूड में रहते ही नहीं क्योंकि हम कभी गहराई में नहीं गए, तो इस किताब की गहराई में जा रहे हैं तो हमारे सब चीज़ें हमको बरोबर दिखाई दे रही है, और गहराई में नहीं जाते तो कुछ चीज़ें बरोबर से दिखाई नहीं देती, हर एक चीज़ के लिए हम लोग क्या रहते हैं कलह लेके चलते हैं। कितनी तीव्रता से हम कुंठित महसूस करते हैं उन परिस्थितियों में जिसमें हमें डाला गया है, जब हम अनदेखा करते हैं आध्यात्मिक संभावनाएं जो उसके नीचे मौजूद होती हैं। कभी कभी देखो गलत फेस तो हर एक जिंदगी में आता है, मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा डिप्रेशन से गुजरा हूं, कम से कम 1-2-3 बार तो मुझे बिल्कुल याद है जब निराश हो गया बिल्कुल, लेकिन उस समय भी क्या किया धैर्य कायम रखा कि ये भी गुजर जाएगा, क्या हो जाएगा ये भी गुजर जाएगा, और अभी तक जो हमको फायदे दिए हैं भगवान ने उसको काउंट करते रहो, और वो गुजर गए बिना किसी केस यानी सपोर्ट के, अपने आप उससे आप निकल आओगे, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना है कि ये जो परिस्थिति हमारे आई है ये हमें क्या सिखाने आई है। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ गलत हो रही हो और आप उसकी गहराई में चले जाओ, भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या काम किया, मैं अपनी ज़िंदगी किस प्रकार से जी रहा हूँ, शायद मैं अपनी कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये तकलीफ आई है। जब इसके ऊपर खोज करना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी उसके अंदर, और मैंने जब भी देखा जब भी मैं वो डिप्रेशन फेज में गया उसे जब बाहर निकला तो बहुत सारी चीज़ें घटी। जैसे कि डिप्रेशन फेज 2011 में आया तो उसके बाद क्या हुआ आश्रम का प्लॉट मिला, ऐसा ही डिप्रेशन फेज एक बार मेरे को 1990 में इंटर्नशिप के टाइम आया था मेरा 3rd MBBS के टाइम, उसके बाद क्या मिला मेरी स्किन की मेरे को ब्रांच मिली, यानी उससे जब निकलोगे यानी उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है आध्यात्मिक संभावनाएं छुपी हुई है, लेकिन हम उसको अनदेखा करते हैं क्योंकि हम उसकी गहराई में जाते नहीं है और सिर्फ हम क्या करते हैं कंप्लेन ही करते रहते हैं। कर्मों की हवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता दें, कर्मों की हवा केवल सागर की सतह पर ही लहरें पैदा करती है मगर इसकी गहराइयां क्या होती है अचल रहती है। सागर देखा है आपने, एक जाके देखो समुद्र के किनारे जाओ तो आपको देखेगा जब हवाएं चलती है तो जो सागर की ऊपर की लहरें निर्माण होती है बहुत तेज, देखते हैं ना हाई टाइड आती है तो कैसी छोलियां आती है ऐसे, तो ऊपर का लेयर जो सागर का है सुपरफिशियल लेयर वो हवाओं से क्या होता है अफेक्ट होता है, लेकिन सागर का भी स्क्यूबा डाइविंग कभी अंडर वाटर जाके देखो गहराई में, वहां पे आपको देखेगा पानी क्या है एकदम
शांत है, वहां पे एक भी लहर नहीं है, क्योंकि आप क्या हो गए, अब गहराई में चले गए। सुपरफिशियली लाइफ जियोगे तो ऐसी तकलीफें आपको हमेशा जिंदगी में आती रहोगी, पर किसी चीज में अगर गहराई में और एक चीज में गहराई में जाना सीख लिया ना, तो हर एक चीज की गहराई में आप जाना शुरू करोगे। तो जो कर्मों की हवा, जो कहते हैं क्या करें, कर्म फल, अरे कर्म आपको छुएंगे भी नहीं, खाली आप गहराई में जाओ तो सही, तो अपने आप कर्मों की हवा आपको, आपकी जिंदगी को असर नहीं कर सकती। चलिए हम खुशी खुशी इस किस्मत को अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकारें, बजाय इसके साथ जुआ खेलने के और इसके सभी, इससे सब कुछ जीतने के प्रयास में इसके घूमते प्रवर्तन पहिए के सब कुछ हार न जाए। तो जुआ मत खेलो ऐसा, है ना। हम एक्सेप्ट करें कि हम क्या कर रहे हैं, पहला चीज कोई भी आपको आगे बढ़ना है तो आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब तक की जिंदगी जो मैं जी रहा था वो क्या कर रहा था भाई, सुपरफिशियल लाइफ जी रहा था। पहले उसको एक्सेप्ट करोगे तभी तो गहराई में जाओगे, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे पता ही नहीं होगा और ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस किस्मत के अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकारें, इसके साथ जुआ मत खेलो, और जुआ खेलोगे सब कुछ जीतने के चक्कर, जुआरी क्या होता है, जुआरी क्यों खेलता रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कभी ना कभी तो जीत जाऊंगा, वही जाता है, पता है हर बार हार के आऊंगा, फिर भी जाके क्या खेलता है, तो किस्मत की बाजी हार जाओगे अगर इस प्रकार से सिर्फ जुआ खेलते रहोगे, यानी सुपरफिशियल लाइफ जियोगे तो हारने की पॉसिबिलिटी है, और कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर सुपरफिशियल लाइफ हम जिएंगे तो इस जुआ को हार जाएंगे, लेकिन अगर हमने गहराइयों में प्रवेश किया, गहरी अनुभूतियां हमें आने लगी, क्योंकि हमने गहरा इंटरेस्ट किया, और गहरा इंटरेस्ट से क्या हो गया आपका, है ना, हमने उत्साह निर्माण किया, हम उस खोज की तरफ जा रहे हैं, तो उससे क्या होने वाली है आपको अनुभूतियां आने लगेगी। तो क्या हो गया, हमने अपने भाग्य के पहिए को क्या किया, जंजीर से बांध दिया, जंजीर से क्या किया, बांध दिया, और उसके जो घूमते परिवर्तन में हमको जो बहा के लेके जा रही थी जिंदगी, और हमें कर्मों के फलों को भुगतना पड़ता था, वो क्या हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा अगर हम गहराइयों में चले गए। सफल जीवन का अर्थ गलतियां न करना नहीं होता, बल्कि केवल निजी गलतियां करना होता है, वे गलतियां जिन्हें हम केवल दूसरों के अनुभव से नहीं बल्कि स्वयं करके देखते हैं और सीखते हैं। सफल जीवन जीने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप गलती करो ही नहीं, हर एक इंसान गलती करता है, और गलतियां जब तक करेगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे, लेकिन ये बात जरूरी है कि गलतियां करो, एक बार करो, वही गलती क्या करो, रिपीट ना करो, एक बार वही, और हम क्या करते हैं, वही गलती रिपीट करते हैं। पता है भाई स्वाध्याय करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक बार गलती हो गई भाई ठीक है, अब तो कोरोना हो गया, अब तो स्वाध्याय रोज करें, लेकिन फिर से नहीं करेंगे रोज स्वाध्याय, ये गलती होती है तो उसकी कोई माफी आपको दे नहीं सकता है, उसमें आप कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं, गलतियां ऐसी करो, एक बार करो, बार बार ना करो, और दूसरों के अनुभव तो सीखो ही सीखो, लेकिन खुद करके, है ना, खुद गलती करके उसके बाद अनुभव आ जाए, उससे परमानेंटली सीख लो भाई, अब ये गलती हम कभी रिपीट करेंगे नहीं तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वही गलतियां क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। हमारे आज के समय में आध्यात्मिक खोज की जगह ले लिए सुरक्षा के लिए खोज ने, और फिर भी इंसान क्षणभंगुर से बंधा हुआ है। हम चाहते तो हैं कि हमारे जीवन में परमानेंट खुशी आ जाए, सब लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास पेशेंट आता है, ये डॉक्टर ये बीमारी है ना, ये परमानेंट निकाल के दो, वापस आनी नहीं चाहिए, चाहते तो क्या है, चीजें परमानेंट, लेकिन जुड़े किससे हुए हैं, क्षणभंगुर चीजों से बुड़े हुए हैं, जो हमसे बिछड़ने वाली है, पैसे के चक्कर में, अपना प्रतिष्ठा के चक्कर में, इसको पकड़ के चक्कर में, उसके पकड़ के चक्कर में, उसी में लगे पड़े हैं, जो चीजें हमसे छूटने वाली है उसी के चक्कर में लगे पड़े हैं, लेकिन चाहते तो हैं हम क्या करें, हमें परमानेंटली खुशी मिल जाए। केवल अपरिपक्व आत्मा ही जीवन की बाहरी परिस्थितियों को परिवर्तित करके स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयास करती है। अब आप इस क्षेत्र में पके नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम बाहरी जो परिस्थितियां हमारे आती हैं ना, उनको हम बदलने की कोशिश करते हैं, बजाय अपने अंदर झांकने के हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और उसको चेंज करने का हम प्रयास करते हैं। यह ऐसा ही है जैसा किसी समुद्र आंधी में हवाओं को नियंत्रित करके सुरक्षित होने का प्रयास। अरे समुद्र में जाओगे, हवाएं आएंगी तो डूबोगे भाई, हवाओं को कैसे रोकोगे, तो हम बाहरी परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते,
हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और अपने आप को चेंज तब कर पाओगे जब किसी चीज़ के क्या करोगे आप, गहराई में उतरोगे। अब इसके बाद और कुछ चीज़ें इससे निकल के आएगी, वो हम अगले व्याख्यान में कवर करेंगे कि कैसे गहराई में जाने से क्या होने वाला है, हमारे अंदर कौन सी शक्ति निर्माण होने वाली है जो कि आगे हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगी। यानी आपकी जब आप चीज़ों की गहराई में चले जाते हो ना, तो आपकी सेंसिटिविटी लेवल, मन की क्या है, संवेदनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और फिर आप खुद को भी सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर सकते हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है। तो उसको कहते हैं इंक्रीज, हाइटेंड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और हाइटेंड सेंसिटिविटी आपको चीज़ों को बरोबर से व्यवस्थित रूप से दिखाएगी कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। और ये हाइटेंड सेंसिटिविटी हो गई तो आगे बढ़ना बहुत ही सफर आसान हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर सहर जी यहाँ पे बताएंगे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो जो कुंडलिनी के सात चक्र हैं और ये जो हमारे सात सेंटर्स हैं, वो उसका क्या आपस में संबंध है, क्या वो ही सेम तो नहीं है कि वो सात चक्र है और ये सात केंद्र आप बता रहे हो, क्या उनमें क्या आपस में जोड़ है, उसके बारे में बताएंगे। और फिर बहुत सारे नए टर्म्स, जैसे आज आपको मैंने कुछ नए टर्म्स बताए, कौन से, प्रीति, गति, निपुणता, गहरी रुचि, उत्साह, ये सारे टर्म्स आज नए सीखे आपने इस जेनयोगा में। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे टर्म्स नए आएंगे, वासना, वासनास, इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, इंस्टेंटनेस, ये चीजें, और फिर क्या है, डिस्कवरी ऑफ द पाथ, ऐसी बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं जो इस विषय परिचय के अंदर डॉक्टर सहर जी हमको देने वाले हैं। इनको हम क्या करेंगे, क्रम क्रम से आगे जाके व्याख्यानों में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग ने यहाँ पे सुना, थैंक यू, हरिओम।